माई सेल्फ दलीप कुमार, पुष्पांजलि कॉलेज ऑफ नर्सिंग। तो वी वर टॉकिंग अबाउट द आई डिसऑर्डर। तो अब अभी हम बात करेंगे ट्यूमर ऑफ आई। तो ट्यूमर ऑफ आई के बारे में बात करेंगे, न्यू टॉपिक्स है आपका। तो ट्यूमर ऑफ आई के बारे में जानेंगे हम लोग। तो व्हाट इज ट्यूमर? ट्यूमर क्या है? एक एबनॉर्मल ग्रोथ है, एक नॉर्मल ग्रोथ है जिसके कारण से क्या हो जाता है कि वो साइज जो है बढ़ जाता है। तो ट्यूमर में हम दो टाइप के ट्यूमर्स की बात करेंगे, बेनाइन ट्यूमर और दूसरा कौन सा ट्यूमर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर। कौन से ट्यूमर की बात करेंगे? बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो सबसे पहले बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें, तो बेनाइन ट्यूमर कौन सा है? जो एक कैप्सुलेटेड होता है, स्लोली ग्रो करता है, एक एरिया में ग्रो करता है, अपने एरिया को अफेक्टेड करता है, इस तरह का बेनाइन ट्यूमर कहलाता है और मेटास्टेसिस की प्रोसेस नहीं होती है। मैलिग्नेंट ट्यूमर वो ट्यूमर होते हैं जिसमें अंदर क्या होता है कि स्प्रेड कर जाता है, फास्टली ग्रो करता है, इसके अलावा पेरिफेरली मेटास्टेसिस कर जाता है। तो इस तरह के ट्यूमर क्या कहलाते हैं? मैलिग्नेंट ट्यूमर कहलाते हैं। तो सब इसमें देखिए कई टाइप के ट्यूमर्स आपको नाम दे रखे हैं। पहला ट्यूमर है आपका डर्मोइड सिस्ट। पहला कौन सा ट्यूमर है? बेनाइन ट्यूमर डर्मोइड सिस्ट। दूसरा ट्यूमर है म्यूकोसेल और तीसरा ट्यूमर है हेमेंजियोमा, हेमेंजियोमा। और चौथा ट्यूमर है लिम्फेजियोमा, लिम्फेजियोमा। अब मैलिग्नेंट में बात करें तो रेमडोमायोसार्कोमा, इस तरह का ट्यूमर हो सकता है। चलिए ठीक है ना, इससे इस तरह का ट्यूमर हो सकता है। और अब आगे और बात करेंगे हम लोग कि ऑर्बिटल ट्यूमर में क्या क्या हो सकता है। बेनाइन ट्यूमर ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, बेनाइन ट्यूमर में ऑर्बिटल की बात करें हम लोग, ठीक है ना। तो बेनाइन ट्यूमर ऑर्बिटल में एक तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इट कैन डेवलप फ्रॉम इन्फेंसी ग्रोली एपडी स्लोली। ये क्या ज़्यादातर इन्फेंसी में ही क्या कर सकता है, डेवलप करता है, अधिकतर ज़्यादातर इन्फेंसी में ग्रो और रैपिडली ग्रो करता है, रैपिडली और स्लोली भी कर सकता है, दोनों कंडीशन हो सकता है, ये दोनों कंडीशन में डेवलप कर सकता है। इट कैन डेवलप फ्रॉम इन्फेंसी एंड ग्रो रैपिडली और स्लोली, दोनों कंडीशन में कर सकता है। इट कैन बी सुपरफेशियल एंड ईजिली आइडेंटिफाई बाय द एक्सटर्नल प्रेजेंटेशन, पाल्पेशन एंड एक्सरे। ये सुपरफेशियल होता है, सुपरफेशियल मतलब ऊपर अपर के पार्ट में पाया जाता है, तो इसलिए क्या है, ईजिली आइडेंटिफाई, ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसका पता लगा सकते हैं बाय किसके द्वारा, पाल्पेशन के द्वारा, एक्सरे के द्वारा और सिटी स्कैन के द्वारा। किन के द्वारा? पाल्पेशन, एक्सरे और सिटी स्कैन के थ्रू हम लोग इसका पता लगा सकते हैं। इसमें सिम्टम्स में क्या होगा, प्रोप्टोसिस। प्रोप्टोसिस क्या होता है? जब कोई आई का बल्जेशन हो जाता है, आई बल्जेज हो जाती है, उसे क्या प्रोप्टोसिस कहते हैं, ठीक है, बाहर निकल के आती है, ऑर्बिटल कैविटी बाहर निकल के आती है जिसे कहते हैं और प्रोप्टोसिस। ये ज़्यादातर देखा गया, और इसके साथ साथ में क्या हो सकता है, विजुअल इम्पेयरमेंट हो सकता है। इसके हम उदाहरण देखेंगे, डर्मोइड सिस्ट है, म्यूकोसेल्स है, हेमेंजियोमा है, लिम्फोजियोमा है, लैक्रिमल ट्यूमर है, इस तरह के ल्यूमोफॉर्मा है, इस तरह के बेनाइन ट्यूमर ऑर्बिटल कैविटल कैविटी में होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे देखिए कुछ टर्म्स पीछे आई थी उनके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक। म्यूकोसेल, व्हाट म्यूकोसेल्स क्या होता है? ए डायलेशन एंड एक्युमुलेशन ऑफ म्यूकस। क्या होता है कि डायलेटेशन एंड एक्युमुलेशन ऑफ म्यूकस सेल। देखिए आपका जो म्यूकस सेल्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है, डायलेटेशन और एक्युमुलेशन, एक्युमुलेशन हो जाता है, तो इसमें क्या है, कंटेंट का म्यूकस का इकट्ठा हो जाता है, जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसमें क्या है, एक धीरे धीरे करके सिस्ट का फॉर्मेशन, नॉन कैंसरस होती है पर लेकिन सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, यह है नॉन कैंसरस होती है पर लेकिन एक सिस्ट का फॉर्मेशन होता है एक्यूमुलेशन होने की वजह से वहाँ पर, तो उसकी वजह से क्या होता है, म्यूकोसेल्स बनने के चांसेस, ये म्यूकस में बनता है, म्यूकस होता है वहाँ पर बनता है म्यूकोसेल्स, ठीक है। नेक्स्ट है डर्मोइड सिस्ट। व्हाट इज डर्मोइड सिस्ट? तो डर्मोइड सिस्ट की बात करेंगे, ओवर ग्रोथ ऑफ नॉर्मल नॉन कैंसर टिश्यू टू कॉम्प्रोमाइज द स्किन, हेयर एंड फैट। डर्मोइड सिस्ट में क्या होता है, जो ओवर ग्रोथ कर जाती है,
इसमें कहता है ओवर ग्रोथ, एबनॉर्मल ग्रोथ कह सकते हैं, कि जैसे एपिडर्मिस, हेयर फॉलिकल्स हैं, सेबेसियस ग्लैंड हैं, इस तरह के वहां पर क्या होता है, ओवर ग्रोथ हो जाती है, जिसके कारण से क्या हो सकता है, डर्मोसिस्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। नेक्स्ट है लिम्फ, लिम्फेजियोमा। लिम्फेजियोमा क्या है, एक लिम्फेटिक्स जो टिश्यू होते हैं उनके अंदर क्या होता है, अपर पार्ट में रेड नोड्यूल्स, एक्स्ट्रा वेसल्स भर जाती हैं, ठीक है, इसकी वजह से कहते हैं लिम्फोजियोमा होने के चांसेस सबसे होते हैं। हेमेंजियोमा, हेमेंजियोमा की बात करें हम लोग, हेमेंजियो क्या ज़्यादातर बर्थ के टाइम पर होता है, और जो बर्थ में क्या होता है, जो जो वेसल्स होती हैं वो वेसल्स पर क्या होता है, रेड ब्राइट एक नोड्यूल्स टाइप की एक्स्ट्रा निकल के आ जाती है, जिसे कहते हैं हेमेंजियोमा। क्या कहा जाता है, हेमेंजियोमा। इसका ट्रीटमेंट की बात करें कि अगर इस तरह के ऑर्बिटल कैविटी में ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, तो सबसे पहले यह क्या है, एक्सीजन और रिसेक्शन, रिमूवल ऑफ जो पोर्शन है उसको रिमूव करना और डिसेक्शन करना, उसको अलग से निकालना, तो ये क्या कहलाता है आपका, ट्रीटमेंट इसके अंदर आ जाता है कि यही इसका ट्रीटमेंट। इसके अलावा हम लोग जनरल ट्रीटमेंट भी चला सकते हैं। नेक्स्ट और बात करते हैं हम लोग, जैसे अभी हमने पर्टिकुलर बात करेंगे, ठीक है, पर्टिकुलर में हम बात करेंगे, जैसे रेमडो सार्कोमा, रेमडो सार्कोमा हमने अभी अभी किसकी बात है, मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करी थी, अब बात करते हैं, सॉरी बिनाइन ट्यूमर की पहले बात करी थी, अब आती है मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर रेमडो सार्कोमा RMS, इट इज ज़्यादातर मोस्टली कॉमन हो सकता है ये, ठीक है, मोस्टली क्या है, हो सकता है रेमडो सार्कोमा, क्या हो सकता है, हो सकता है ये एक, इसके जो टाइप्स होते हैं कैंसरस और कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है। कैंसरस किस में, कनेक्टिव टिश्यू का है, इसका टाइप है कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है, इस तरह का जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, एक तो पेनलेस प्रोप्टोसिस, मैंने आपको प्रोप्टोसिस बता दिया, ठीक है, आईलेट्स में स्वेलिंग आ जाएगी, कंजक्टाइवल में क्या होगा, कीमोसिस हो सकता है। व्हाट इज कीमोसिस, कीमोसिस क्या है, कंजक्टाइवा में स्वेलिंग आ जाना, दैट इज कॉल्ड द कीमोसिस कहलाता है। इंपेयरमेंट ऑफ ऑकुलर मोबिलिटी, जो मोबिलिटी हो रही है वो उसका इंपेयरमेंट हो जाएगा, क्लियर क्लियरिटी नहीं आ पाएगी, इंपेयरमेंट हो जाएगा। उसके बाद और बात करें इसके लिए इलाज क्या होगा, देखिए मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो सर्जरी करनी पड़ेगी, रेडिएशन थेरेपी देनी पड़ेगी, रेडिएशन थेरेपी में आपने पता होगा टू टाइप की थेरेपी, ब्रेकी थेरेपी और ठीक है ना, एक्सटर्नल थेरेपी और जिसे कहते हैं हम लोग इंटरनल थेरेपी, ठीक है, इस तरह की थेरेपी, टेली थेरेपी, ब्रेकी थेरेपी बोला जाता है इसको, ठीक है, कीमोथेरेपी भी चलानी पड़ेगी क्योंकि ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ड्रग थेरेपी है उसको चलानी पड़ेगी, तो पेशेंट को इस तरह से चलाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस तरह से आपका दिख रहा होगा, ये इस तरह का आई बन जाता है, ठीक है ना, चल नेक्स्ट बात करते हैं, आईलिड्स ट्यूमर, नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, आईलिड्स ट्यूमर की बात करेंगे। आईलिड्स में कौन कौन से ट्यूमर हो सकते हैं, ठीक है ना, तो आईलिड्स की ट्यूमर की बात करेंगे तो हम सबसे पहले बिनाइन ट्यूमर कौन कौन से हो सकते हैं, बिनाइन ट्यूमर कौन से हो सकते हैं, और मैलिग्नेंट ट्यूमर कौन से हो सकते हैं, जिसमें एक तो नेवस हो सकता है, नेवस, ठीक है, प्लूरल, ठीक है, हेमिंजियोमा हो सकता है, मिलिया हो सकता है, जेंथेलेसीमिया हो सकता है, मलुस्सकम हो सकता है, कंटाजियसम हो सकता है, मलुसियम्स कंटाजियसम हो सकता है, और मैलिग्नेंट बात करें बेसल सेल कार्सिनोमा हो सकता है, स्क्वाइमस सेल कार्सिनोमा हो सकता है, ठीक है, और मेलिग्नेंट मेलेनोमा हो सकता है। इस तरह के मतलब ट्यूमर पाए जाते हैं, दोनों टाइप के ट्यूमर हो सकते हैं, जैसे किसमें, आईलेट्स ट्यूमर की बात कर रहे हैं हम लोग, आईलेट्स में दोनों टाइप के ट्यूमर हो सकते हैं, ठीक है ना, तो इस हम लोग आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले नेवस, व्हाट इज मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर में नेवस की बात करें तो नेवस की बात करेंगे हम लोग, जैसे इस सार्प सरकम स्क्राइब एंड
क्रॉनिक लीजन, स्किन और म्यूकोसा, क्या होगा कि एक क्रॉनिक लीजन बन जाता है जिसके अंदर आईलेट्स के ऊपर, तो जिसे नेवस का बोला जाता है, शार्प होता है एकदम, तो उसे कहते हैं नेवस, ठीक है ना। अब आता है हेमेंजियोमा। हेमेंजियोमा क्या होता है? हेमेंजियो ट्यूमर ऑफ द ऑर्बिटल एंडोथेलियम सेल्स लाइनिंग ब्लड स्पेसल दैट मे ब्राइट सुपरफिशियल स्ट्रॉबेरी रेड लीजन ब्लूस पर्पल डीपर लीजन। हेमेंजियोमा में अगर आईलेट्स की बात करें तो किस तरह एंडोथेलियम सेल्स में हो जाता है और ब्लड वेसल्स में हो जाता है, इसमें ब्राइट सुपरफिशियल स्ट्रॉबेरी रेड लीजन दिखाई देंगे, ब्लूस और पर्पल डीपर लीजन भी हो सकते हैं। तो इस तरह का क्या है, बिनाइन ट्यूमर इसमें आईलेट्स में दिखाई दे सकता है। इसे मेलिया, मिल्क स्पॉट और ऑयल सीट, इसे कहते हैं मिल्क स्पॉट और ऑयल सीट का नाम भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, कैरेटिन फिल्ड सिस्ट, इसमें कैरेटिन बड़ा होता है फिल्ड सिस्ट, तो इसको और स्मॉल वाइट स्लाइटली सिस्ट इस तरह का आईलेट्स पर रेडी हो जाता है। इसके और बात करेंगे हम लोग जेंथेलेस्मा, जेंथेलेस्मा, ये जेंथेलेस्मा भी बिनाइन ट्यूमर बन सकता है। ये येलो विश लिपिड डिपोजिट और फैट लिपिड नियर द एंगल ऑफ आई 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 के एंगल पर इस तरह का बन जाता है और लिपिड डिपोजिट हो जाता है, येलो भी इस तरह का, इस तरह के जेंथेलेस बोला जाता है। मलुसकम या कंटेजियस, इस तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है, इसके कारण किसका क्या, क्या क्या है इसके अंदर वायरल इन्फेक्शन है, क्या है इसके अंदर वायरल इन्फेक्शन है, इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन इन्वॉल्व रहती हैं और ये जो होता है पॉक्स वायरस की वजह से हो सकता है। किसकी वजह से होता है, पॉक्स वायरस की वजह, इसमें लीजन और फ्लैश कलर के होते हैं, लीजन्स और फ्लैश कलर के होते हैं, किस तरह के लीजन किस तरह के होते हैं, फ्लैश कलर के, फ्लैश कलर के होंगे। चलिए और हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट, इसके ट्रीटमेंट की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या, इसके ट्रीटमेंट में क्या देंगे, कॉर्टिको स्टेरॉइड इंजेक्शन, क्योंकि क्या करेगा हेमेंजियोमा में क्या चलाया जाएगा, कॉर्टिको स्टेरॉइड चलाया जाएगा, ठीक है ना, कॉर्टिको स्टेरॉइड चलाया जाएगा, तो कॉर्टिको स्टेरॉइड ड्रग प्रोवाइड कराएंगे इसको, ठीक है ना, क्या करेंगे कॉर्टिको स्टेरॉइड इंजेक्शन देंगे किसके लिए, हेमेंजियो। इसके बाद एस्ट्रिजेंट्स देंगे, जैसे सिल्वर नाइट्रेट है, पोटेशियम है, इस तरह के जिंक ऑक्साइड है, केमिकल अप्लाई करेंगे कहाँ पर, जो मलुसम लीजन्स हुए हैं, मोलुसम मोलुसकम लीजन हुए हैं वहाँ पर देंगे। सर्जिकल सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे इसका, इसको करेंगे इलेक्ट्रोकैटरी, इलेक्ट्रोकैटरी मतलब उसको जलाना है, तो ये थर्मल कॉटरी होती है, जिसको क्या होती है, एक थर्मल कॉटरी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या करते हैं, उसको इलेक्ट्रोड्स पास करके उस एरिया को, अनवांटेड सेल को डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो इसे हम लोग इसमें ये ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ आईलेट। अभी हमने बिनाइन ट्यूमर की बात करी थी, अब बात करते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर इन आईलेट्स। मैलिग्नेंट ट्यूमर इन आईलेट्स की बात करेंगे, सबसे पहला ट्यूमर था वेसल सेल कार्सिनोमा। वेसल सेल कार्सिनोमा ये कॉमनली होता है, ये इसमें क्या होता है, पेनलेस नोडुल्स बन जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, और पेनलेस नोडुल्स रेडी हो जाते हैं, ये अल्सरेटिव हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, अल्सरेटिव हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं इस कंडीशन में, ठीक है। इसमें क्या होता है, लीजन भी इन्वेंसिव भी कर सकते हैं, स्प्रेड भी कर, सराउंडिंग कर सकते हैं, टिश्यू के आसपास के सराउंडिंग इन्वेंस हो सकते हैं, फैल सकते हैं और स्लोली स्लोली ये पर, लेकिन ज़्यादातर मेटास्टेसिस नहीं करते हैं, फैल सकते हैं पर आसपास के टिश्यू के ऊपर, लेकिन मेटास्टेसिस नहीं करते हैं। ये आप आईलेट्स के अपर लिड्स के मार्जिन में ज़्यादा पाए, कहाँ पाए जाते हैं, ये यूजली लोअर लिड्स मार्जिन में और किसके नियर के, इनर कैथस के पास में, वाटिस मार्जिन के पास में पाए जाते हैं। जैसे हम लोग अभी ये देखिए, ये मैंने आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह से पाए जाएंगे, इस तरह से ये पाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा लेस फ्रिक्वेंसी, इसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है, ठीक है। ये रिसेम्बल सेल्स कैल सेल कार्सिनोमा के नाम से भी जाना जाता है, ग्रो स्लोली स्लोली करता है, पेनलेसली होता है, ये अल्सरेटिव होता है, इन्वेल्ड अपने आसपास के टिश्यू में इन्वेल्ड कर सकता है, फैल सकता है,
और धीरे धीरे करके क्या कर सकता है, मेटास्टेसिक लिम्फ नोड्स में भी स्प्रेड कर सकता है। कौन सा? स्क्वायमस सेल कार्सिनोमा। ये कहाँ पर है? आइलेट्स की बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है मैलिग्नेंट मेलेनोमा। ये मैलिग्नेंट मेलेनोमा क्या होता है, एक तरह स्किन पर पाया जाता है, स्किन टाइप का मेलेनोसाइट्स में होता है, पिगमेंट सेल्स में पाया जाता है। ये ज़्यादातर नेवी से ओरिजिनेट होता है। कहाँ पर ओरिजिनेट होता है? आपका नेवी से ओरिजिनेट होता है। कहाँ पर? देखिए एराइजिंग फ्रॉम नेवी। देखिए हम लोग जो डायग्राम में देखेंगे, ये देखिए इस तरह का ट्यूमर होगा। कौन सा? मैलिग्नेंट मेलेनोमा। इस तरह का ट्यूमर होगा, ठीक है। ये अदर ऑर्गन्स में भी क्या कर सकता है, स्प्रेड मेटास्टेसाइज कर सकता है टू अदर ऑर्गन में। ये कंडीशन होती है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। या तो इसका सर्जिकल कीजिए, या स्किन इसके ऊपर रिकंस्ट्रक्ट स्किन लगाई जाएगी, ठीक है। इसके कहते हैं कह सकते हैं कि स्किन ग्राफ्टिंग की जाएगी। तो इस तरह की कंडीशन की सकते हैं। इसका कीमोथेरेपी तो चलेगी, या आपको रेडिएशन थेरेपी चला सकते हैं, ठीक है। इस तरह का ट्यूमर में चला सकते हैं। नेक्स्ट है कंजक्टाइवा ट्यूमर। नेक्स्ट है कंजक्टाइवा ट्यूमर की बात करें तो कंजक्टाइवा ट्यूमर में कौन सा है? कंजक्टाइवल नेवस, ठीक है। कौन सा? कंजक्टाइवल नेवस। दूसरा डर्मोलिपोमा। नेक्स्ट है पेप्लियोमास। नेक्स्ट है कंजक्टाइवल कार्सिनोमा, कंजक्टाइवल कार्सिनोमा, मेलिग्नेंट मेलेनोमा। इस तरह से दोनों टाइप्स के आपको बेनाइन और ट्यूमर, इस तरह के ट्यूमर्स होते हैं। हमने कुछ एग्जांपल भी देखे हैं कंजक्टाइवल में, ये देखिए, ठीक है ना। इस तरह से हो सकते हैं, ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट और बात करें हम लोग, बिनाइन ट्यूमर। तो सबसे पहले हम इसके डिस्क्रिप्शन जानते हैं कि बिनाइन ट्यूमर कंजक्टाइवा में क्या क्या क्या, क्या होते हैं। कंजक्टाइवल नेव, इसमें ये क्या कंजेनाइटल या बिनाइन न्यूप्लाज्म हो सकता है। ये कंजेनाइटल जन्मजात से भी हो सकता है या बिनाइन न्यूप्लाज्म से बन सकता है। ये फ्लैट होता है, स्लाइटली एलिवेटेड होता है, उभरा हुआ होता है, बिकम पिगमेंटेड। और ये पिगमेंटेड होगा किसी न किसी कलर का, ब्लैक रेड इस तरह का पिगमेंटेड होगा, ठीक है ना। इसके अलावा डर्मोलिपोमा, इसे कंजेनाइट, ये भी कंजेनाइटल ट्यूमर होता है। स्मूथ होता है, राउंडेड ग्रोथ होती है इसकी। कैसी होती है? राउंडेड, गोल में ग्रोथ होती है। किसके द्वारा? फैटी टिश्यू के द्वारा इस तरह की ग्रोथ होती है। और कंजक्टाइवा के नियर की होता है, इसमें ये जाता है लेटरल कैथस। लेटरल कैथस मतलब इस साइड में, ये साइड में आपका ज़्यादातर पाया जाएगा। पेप्लियोमास, ये सॉफ्ट रेगुलर प्रोजेक्टिक टाइप का होता है। ये आईलेट्स के मार्जिन पर ही होता है, या मार्जिन होती है यहाँ पर, यह अधिकतर पाया जाता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? सर्जिकल एक्सीजन, बाहर से इसका ऑपरेशन करके निकाला जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द कंजक्टाइवा। मैलिग्नेंट, अभी का बेनाइन ट्यूमर की बात कर रहे थे, अब मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ कंजक्टाइवा, ठीक है। नेक्स्ट कंजक्टाइवल कार्सिनोमा, जिसमें ग्लेटिनियस एंड वाइटिश ड्यू टू द केरेटिन फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, जो वाइटिश और केरेटिन के फॉर्मेशन का हो जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, वो बढ़ता जाता है। ये क्या करता है? ग्रोली ग्रेजुअली, और ये क्या है? डी इन्वर्जन, अंदर की तरफ बढ़ता है। अंदर की तरफ क्या होता है? अंदर की तरफ बढ़ता है, ठीक है ना। इस तरह से कंडीशन होती है मैलिग्नेंट मेलेनोमा। नेक्स्ट है ये रेयर कंडीशन में होता है, ये प्री एग्जिस्टिंग नेवस में होता है। इस तरह की बहुत ज़्यादा रेयर कंडीशन में होगा। इसका ट्रीटमेंट क्या है? सर्जिकल ट्रीटमेंट है, इंसीजन और एक्सीजन करना है, इसका ऑपरेशन के थ्रू इसको करना। इसके साथ में हम क्या कर सकते हैं? रेडिएशन थेरेपी भी कर सकते हैं और कीमोथेरेपी भी। इसके साथ में हम लोग क्रायोथेरेपी भी दे, मैंने ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ इनके बारे में। क्रायोप्रोब के द्वारा क्या करते हैं, इसको फ्रीज करके, स्टोर करके अनवांटेड सेल को निकाल दिया जाता है। तो क्या क्या करता है? क्रायोथेरेपी का नाम दिया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट है ग्लोब ट्यूमर्स। ग्लोब ट्यूमर मतलब देखें, आप देखें ये डायग्राम भी दिखाया गया है इसमें। ग्लोब ट्यूमर में इसमें रेटिनोब्लास्टोमा, पहला कौन सा है? रेटिनोब्लास्टोमा। और दूसरा ऑकुलर मेलेनोमा। दूसरा कौन सा होता है? ऑकुलर मेलेनोमा। इस तरह की कंडीशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें इसके डिस्क्रिप्शन की बात करें तो डिस्क्रिप्शन में हम लोग देखेंगे
रेटिनोब्लास्टोमा, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, रेटिनोब्लास्टोमा पढ़ेंगे। रेटिनोब्लास्टोमा क्या होता है, एक और चाइल्डहुड, ज़्यादातर क्या होता है चाइल्डहुड में होता है और हेरिटिक कंडीशन, हेरिडिटरी कंडीशन होता है ये। इसके लिए ज़रूरी है कि इनिशियल ल्यूकोरिया या वाइटिस पिपल पैक या पैक्यूलरी लाइट इन्फ्लेक्शन या पॉजिटिव स्ट्रॉबेरिस होने के चांसेस होते हैं। इसमें क्या होता है कि या तो यूवाइटिस हो या ग्लूकोमा हो या हाइपरोमा हो, इस तरह की कंडीशन में भी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं इस रेटिनोब्लास्टोमा में, इस तरह की कंडीशन होती है। इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है, एनक्लेरेशन। एनक्लेरेशन मतलब उसको आपको पूरा निकालना ही पड़ेगा, इसमें इसमें कुछ और तरीका है ही नहीं, क्योंकि क्या है पूरा ही आई बॉल इसमें अफेक्टेड होती है। और हम नेक्स्ट और बात करेंगे, ऑकुलर मेलेनोमा। ऑकुलर मेलेनोमा क्या है, रेयर और मैलिग्नेंट ट्यूमर है, बहुत ज़्यादा कम मात्रा में होता है, कोरोइड ट्यूमर होता है, इसमें ब्लड विजन चेंज, आई कलर हो जाता है, मेटास्टेज लीवर और इसमें करता है, इसमें इसमें ही सेम किया है, आई को निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट, अगर हम इन ट्यूमर्स की बात, मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें तो लेजर थेरेपी के यूज़ करते हैं, रेडिएशन थेरेपी का भी यूज़ करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरह के मेथड रेटोमी भी करने को, उसके रिमूवल ऑफ अफेक्टेड पाइस को पीसेस को आयरिस से बाहर निकाल देते हैं, या कोरोइडेक्टोमी करते हैं, रिमूवल ऑफ कोरोइड लेयर को क्या कहते हैं, रिमूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, कोरोइड लेयर को रिमूवल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, वैस्कुलर जो टिश्यू है, लेयर है बिटवीन स्क्लेरा के बीच होती है, उसको हम क्या रिमूव करने की करते हैं। इरिडोसाइक्लेक्टोमी, इरिडोसाइक्लेक्टोमी आयरिस से, आयरिस है और सिलियरी बॉडी मसल्स को उसको क्या करते हैं, रिमूव करने की कोशिश करते हैं। इरिडोसाइटस, आई वॉल रिसेक्शन, नेक्स्ट है आई वॉल रिसेक्शन, उसकी आई वॉल को क्या करते हैं, कटिंग करके रिमूव करके उस मेलेनो ट्यूमर को करके इस तरह कंडीशन करते हैं, और कीमोथेरेपी। तो ये बहुत सीरियस करनी है, बजाते हैं एनकुलेशन भी करते हैं, ठीक है, एनकुलेशन भी करते हैं, क्योंकि इस ये कंडीशन में क्या होता है, आई वॉल पूरी तरह से वेस्टेज हो जाती है, ठीक है ना, मतलब ख़राब हो जाती है, इसमें क्या है और हर ऑर्गन में दूसरे ऑर्गन में फैलने के चांसेस होते हैं, तो इसमें से आई बॉल को निकाल लिया जाता है। इस आज ये आज का टॉपिक आपका पूरा होता है, ठीक है। ट्यूमर ऑफ आई, इसमें बहुत अलग अलग टाइप के आपको ट्यूमर्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया लिखा है, पढ़ाया, आप नोट्स कॉपी कर लेंगे सब लोग। ओके, थैंक यू सब लोगों को।